नमस्कार, ए टू जेड डिशेस उषा कोरजानी में आप सबका स्वागत है। ऐसा कोई घर नहीं है जिसके घर पे ना चावल नहीं बनते हो, फिर चाहे वो दाल के साथ बने या कढ़ी के साथ। बनते तो है ही, जो हम प्लेन राइस बनाते हैं नमक और पानी डालकर, तो वो कभी कभी देखो बच भी जाते हैं। फिर हम उसका पुलाव बनाकर खा लेते हैं, पर अब से ऐसा मत करना। ये बढ़िया सी कोकी बनाना, उसके लिए ना एक बर्तन में डाल दो 2 कप गेहूं का आटा, आधा कप इसके अंदर बेसन डालना है, ये बचे हुए चावल 1 कप जितने मैंने डाले हैं, धनिया के पत्ते एकदम ताज़े काट कर डाल दीजिए, 1 बारीक कटा हुआ प्याज, 2 से 3 बारीक कटी हरी मिर्ची, नमक स्वाद के अनुसार, आधी चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 1 चम्मच भरकर इसके अंदर आपको तेल डाल देना है। अब जितना हो सके ना इसी से ही सबसे पहले आपको आटा गूंदना है। देखिए चावल भी है, प्याज भी है, तो सभी चीज़ों से अच्छे से आपको आटा जितना हो सके इसी से ही गूंदना है, उसके बाद ही हम पानी डालेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, और जो भी मैंने इसके अंदर नमक मसाले डाले हैं ना, वो आप अपने स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जितना हो सका मैंने इसी से ही आटा गूंद लिया। अब थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और आटा गूंदेंगे। तो ये जो चावल, बचे हुए चावल की कोकी है ना, इसके लिए ना जो आटा है वो ना ही ज़्यादा सख्त होना चाहिए और ना ही ज़्यादा नरम, मीडियम सॉफ्ट इस तरह से आटा गूंदना है। और इसमें से हम लोई निकाल लेंगे, दोनों हाथ के बीच में से हम मसल लेंगे। कोकी को सेकने के लिए मैंने यहाँ पर तवा गरम करने रख दिया है। चकले पर मैंने थोड़ा सा गेहूं का आटा छिड़क लिया है, और ये लोई को रखने के बाद दोनों तरफ अच्छे से गेहूं का आटा लगा लेंगे और इसे अब बेलेंगे। तो यहाँ पर देखिए, ये जो कोकी होती है ना थोड़ी सी मोटी होती है, इसलिए ज़्यादा पतला करने की कोशिश ना करें, नहीं तो फिर तो वो रोटी ही हो जाएगी। अच्छे गर्म तवे पर डालें, और जैसे ये हल्का हल्का सिकना शुरू हो जाए ना, तो आप इस पर ना तेल भी लगा सकते हैं, घी भी, या फिर मक्खन, जो आप पसंद करते हैं ना वो आप इस पर लगाइए। मैंने यहाँ पर तेल ही लगाया है, और दोनों तरफ इसे आपको अच्छे से सेकना है। अब देखिए, ये जो है ना कोकी थोड़ी सी मोटी है, तो ये बिल्कुल भी कच्ची नहीं अच्छी लगेगी, तो इसे अच्छे से सेकना। और इसी तरह से मैंने सारी बना ली है। अब आप चाहे इसे चाय के साथ लें, या दही के साथ, या फिर कोई भी खट्टे अचार के साथ, मज़ा ही आ जाएगा इसे खाकर। तो जब भी चावल बने तो इसे ज़रूर ट्राई करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।